हाय फेलर्स, चेंगो हियर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक अपकमिंग M16 की गन की स्किन, जो कि आज तक के PUBG मोबाइल की सबसे ज्यादा अच्छी स्किन है। जितनी भी आज तक PUBG मोबाइल में कोई भी स्किन आई है ना गेम के अंदर, कोई भी स्किन, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप लोग यही नीचे कमेंट करने वाले हो, यार ये वाली स्किन आज तक जितनी भी हमने स्किन देखी उनमें सबसे बेस्ट, सबसे सुंदर और सबसे ज्यादा कामयाब स्किन है। वो चीज मैं आपको बताऊंगा क्यों। एंड उसके साथ ही ये वाली जो स्किन रहने वाली है, ये फुली अपग्रेडेबल स्किन रहेगी। आई मीन जैसे 1 से लेकर 7 तक हम इसको अपग्रेड करते हैं ना हर स्किन को मटेरियल से, बट ये वाली स्किन को अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली अपडेट स्किन रहने वाली है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखेंगे 0.17.0 के रिगार्डिंग जो अपडेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लीक्स एंड उसकी कंफर्म डेट, जो कि PUBG मोबाइल ने कल के दिन ऑफिशियली अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कंफर्म किया है, जो कि पूरी की पूरी कंफर्म है, टाइम डेट एंड सब कुछ। तो गाइस, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, आप लोग लाइक कर सकते हैं वीडियो को सपोर्ट शो करने के लिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी अपकमिंग लीक्स एंड ट्रिक्स को सबसे पहले जानने के लिए। So guys, ये सारी की सारी लीक्स मुझे प्रोवाइड किए हैं मैट तमीजा ने, इसके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं M16A4 की अगर स्किन, तो आप लोग देख सकते हैं ये वाली एक पर्पल कलर की स्किन है, जिसके अंदर एक्चुअली सिर्फ पर्पल नहीं, उसके साथ भी बहुत ही ज्यादा कलर है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, ब्लू कलर इसके अंदर है, इसके साथ रेडिश कलर है, इसके अंदर स्काई ब्लू कलर है, काफी अलग अलग व्हाइट व्हाइट से बिंदियां भी बनी हुई है जो कि लाइट सी दिख रही है। बट इस गन की जो शाइनिंग है, मतलब अगर आप, मैं आपको बोलूं कि ये जो चीजें हैं ना काफी अच्छी हैं, तो आप लोग मुझसे बोलोगे नहीं स्टैंगो, इन चीजों से जो अच्छी चीज हमें लग रही है देखने में वो है इसके अंदर आने वाली ग्लिटलेस लाइट, जो कि आगे से पीछे की तरफ जा रही है, पीछे से आगे की तरफ जा रही है। एंड भाई, ये जो चीज है ना, ये इस स्किन की मतलब मैं क्या बोलूं मुझे नहीं पता, बट ये काफी ज्यादा एक्चुअल में देखने में अच्छी स्किन लग रही है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस स्किन के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हो। सो यार, अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोगों की फर्स्ट एनिवर्सरी आई थी, तो फर्स्ट एनिवर्सरी में हमें मिली थी एक UMP9 की स्किन, जो कि फुली अपग्रेडेड स्किन थी। एंड उस वाली स्किन को हमें सिर्फ और सिर्फ लकी स्पिन में जाके रिडीम करना था, जिस तरीके से हम लोग लकी स्पिन घुमाते हैं। एंड ये वाली जो स्किन थी, ये पूरी की पूरी अपडेटेड स्किन थी, हम लोगों को इसमें कुछ भी अपग्रेड नहीं करना पड़ा था, जैसे level 1, level 2, level 3 मटेरियल खर्च करके, नहीं, हमें ये जो स्किन मिली थी ये डायरेक्ट अपडेटेड स्किन मिली थी। तो यही बिल्कुल लास्ट एनिवर्सरी 2, ये सेकंड एनिवर्सरी हम लोगों की, तो ये सेकंड एनिवर्सरी की स्किन आई है। एंड ये वाली स्किन आई है M16 की स्किन। एंड ये वाली जो स्किन है, अगर मैं तुम्हें UMP9 से कंपैरिजन में बताऊं, ये वाली स्किन बहुत ही ज्यादा कमाल की मुझे लग रही है। एंड तुम लोग इसको रियल लाइफ कॉम्पैक्ट में भी देख सकते हो, रियल गेम के अंदर कैसी लग रही है ये वाली स्किन। एंड भाई, मतलब मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है इस स्किन के लिए बोलने के लिए, बिकॉज ये स्किन एक, मतलब मेरे को नहीं पता, बहुत ही ज्यादा अच्छी स्किन मुझे लग रही है। आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से मुझे बता सकते हो ये स्किन आपको कैसी लग रही है, एंड आप लोग कितने एक्साइटेड हो इस वाली स्किन के अंदर। सो गाइस, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 0.17.0 के अंदर, जो कि PUBG मोबाइल ने कुछ न्यू चीजें लीक्स की हैं, जहां पे वो हमें बता रही है कि इसकी ऑफिशियल डेट क्या है। तो इसकी ऑफिशियल डेट इन लोगों ने कंफर्म कर दिया, जो कि 3 मार्च, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, चाइनीज में लिखा हुआ है, पर ये इंग्लिश में ही है, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मार्च इसकी ऑफिशियल डेट इन लोगों ने कंफर्म कर दी है। एंड उसके साथ ही साथ हम लोगों को नॉर्मल अपना जो टाइम होता है 7:30 AM पे हम लोगों को ये वाला अपडेट देखने के लिए मिलने लग जाएगा गेम के अंदर। एंड धीमे धीमे उसके बाद हम लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा, अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से होता है, कुछ को 7:30 पे, कुछ को 8:30 पे, कुछ को शाम को, कुछ को दोपहर में, अलग अलग टाइम पे दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इन लोगों ने कल के दिन कुछ गेम में फीचर्स बताए हैं जो कि आने वाले हैं, जैसे कि इन लोगों ने फर्स्ट फीचर दिखाया है हमें डेड कैम का, कि हम लोग कैसे मरे, हम लोग उस वाली चीज को देख सकते हैं खुद ही स्पेक्टेट करके। आफ्टर दैट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे DBS नाम की एक काफी अच्छी गन, जो कि हमें ड्रॉप में दिखने वाली है, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, आप लोग देख सकते हैं चैनल पे जाकर। उसके बाद हमें देखने के लिए मिल जाता है उजी में आने वाला अपडेट, जहां पे हम लोगों को दिखता है कि हम लोग कोई भी स्कोप इस पे अटैच कर सकते हैं, स्कोप इन द सेंस रेड डॉट एंड होलोग्राम, इससे ज्यादा कुछ नहीं हम लोग अटैच कर सकते, बट काफी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी जब उजी के ऊपर कोई चीज हम लोग अटैच कर पाएंगे। उसके बाद एक न्यू फीचर दिख जाता है, जो कि हम लोगों को चाइनीज गेम में काफी टाइम से दिख रहा था, बट ये फाइनली ग्लोबल में भी आ चुका है, जो कि ये वाला है निशान लगाने वाला, इसको अलग टाइप से मैप में कह सकते हैं हम लोग निशान लगा सकते हैं, जिससे हम लोग बता सकते हैं वहां पे गाड़ी है, यहाँ पे जाना है, वैसे वैसे, इसके लिए भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई, आप चैनल पर चेक कर सकते हैं जाके। उसके बाद हम लोगों को एक न्यू अपडेट दिख रहा है गेम के अंदर, जो कि एक कलर ब्लाइंड लोगों के लिए, जो भी कलर ब्लाइंड है बेचारे उनके लिए ये अपडेट है, जिससे वो लोग अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हैं, कुछ लोगों को ग्रीन की प्रॉब्लम है, कुछ को रेड की प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से वो लोग कर सकते हैं कलर्स को सेट अपने नीड्स के हिसाब से, जो कि काफी अच्छा फीचर है, जिससे कि काफी और भी कम्युनिटी
पब्लिक इंजॉय कर पाएगी एंड मैं काफी खुश हूँ इस फीचर से उन लोगों के लिए जो कि गेम को पहले उतना अच्छा इंजॉय नहीं कर पाते थे। तो यही थी कुछ कमाल की चीजें जो हम लोगों को 0.17.0 के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है 3 मार्च को 7:30 PM से। एंड उसके बाद तो अब आप लोगों का टाइम होगा ही अलग अलग तो उस हिसाब से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो मुझे जरूर से आप लोग कमेंट करके बताना यार आप लोग कितने एक्साइटेड हो इस सारे के सारे अपडेट के लिए। मैं एक्चुअल में बहुत एक्साइटेड हूँ एंड प्लीज मुझे जरूर से आप लोग कमेंट करके बताना कि M16 की वो स्किन के लिए आप लोगों का क्या रिएक्शन है एंड मतलब मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस बाय फ्रॉम सुचेंगो, बाय।